नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे डॉक्टर डी चैनल के ऊपर। हम आज बात करेंगे भुजंगासन के बारे में कि भुजंगासन किसको करना है, कौन कर सकता है, कितना कर सकता है और क्या नहीं करना चाहिए, वो सारी बातें हम आज डिटेल में जानेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो के आखिर तक और कोशिश कीजिएगा वो सारे लोगों को शेयर करें। थैंक यू। नमस्कार साथियों, मैं हूँ आपका दोस्त डॉक्टर डी। स्वागत है आप सभी का हमारे डॉक्टर डी चैनल के ऊपर। यहाँ पर हम बात करेंगे आज 21 जून को जो योगा डे हम कर रहे हैं, वहाँ पर जो योगा का एक सीक्वेंस है उसको हम कहते हैं योगा प्रोटोकॉल। वही आसन को हम अलग अलग तरीके से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये सारे बेसिक आसन है और इतने सरल है जो सारे लोग, सारे कोई भी उम्र वाले लोग यहाँ पर कर सकते हैं। ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी नहीं है और तो सारे बॉडी पार्ट अच्छी तरह से यूज़ हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम नई सीरीज चालू कर रहे हैं जहाँ पर एक एक आसन को हम एक्सप्लेन करेंगे कि वो कैसे करना है, किसको करना है, कितनी देर करना है, क्यों करना है, उसके बेनिफिट क्या है, वो करने के बाद आपको क्या फ़ायदे होंगे, वो सारी चीज़ें हम आपको विस्तार से बताएंगे। तो कोशिश कीजिए कि आप ये शेयर कीजिए, अच्छा लगे वीडियो लाइक करें और ध्यान दें अपनी हेल्थ का। थैंक यू। भुजंग आसन। भुजंग का अर्थ है नाग या कोबरा। इस आसन को करते समय आपके शरीर का ऊपरी हिस्सा जमीन से ठीक उसी तरह उठा रहता है जैसे एक कोबरा अपना फन उठाए रहता है। इस आसन को करने के लिए सबसे पहले आपको मकरासन की मुद्रा में आना होगा, जिसके लिए आप जमीन पर पेट के बल लेट जाएं और अपने पैरों को एक दूसरे से दूर रखें। अपने माथे को अपनी हथेलियों पर रखें और अपने शरीर को आराम दें। अब मकरासन से आगे बढ़ते हुए अपने दोनों पैरों को आपस में जोड़ें और अपने हाथों को सामने की ओर खींचें। अपने माथे को जमीन पर रखें। अब अपनी हथेलियों को अपनी छाती के समीप रखते हुए अपनी कोहनियों को उठाएं। एक गहरी सांस लेते हुए और अपनी ठोड़ी को ऊंचा करते हुए अपने शरीर को नाभि के हिस्से तक जमीन से उठाएं। ध्यान रखें कि आपकी कोहनियां आपके शरीर के सीध में रहें और आपके पैर इस तरह तने हुए हो कि आपकी कमर पर अत्यधिक तनाव महसूस ना हो। इस स्थिति में सामान्य रूप से सांस लें और छोड़ें और 15 से 30 सेकंड तक रहें। इस आसन को नियमित रूप से करने पर पीठ दर्द में आराम मिलता है। भुजंग आसन पेट की चर्बी को घटाता है और कब्ज की परेशानी से मुक्ति दिलाता है। ये आसन सांस संबंधी तकलीफों को दूर करने में सहायक सिद्ध होता है। हर्निया और अल्सर के रोगियों और गर्भवती महिलाओं को ये आसन नहीं करना चाहिए। यदि आपके पेट का ऑपरेशन हुआ हो तो कम से कम 3 महीने तक ये आसन नहीं करना चाहिए। 15 से 30 सेकंड इस स्थिति में रहने के बाद सांस छोड़ते हुए धीरे से अपने शरीर के ऊपरी हिस्से को नीचे लाते हुए अपने हाथों को सामने की ओर खींचे और पुनः मकरासन की मुद्रा में आने के पश्चात आरामदायक सांस लें। भुजंग आसन तनाव दूर करने के लिए सबसे उपयोगी आसन है। इस आसन को नियमित रूप से करने पर आपका तन और मन दोनों स्वस्थ रहेंगे।